नंबर तीन देखिए, यदि बहुपद पी एक्स के लिए पी माइनस वन इक्वल टू टू, यानी कि माइनस वन रखने पे उस बहुपद का मान क्या आ रहा है, दो आ रहा है, तो बहुपद पी एक्स माइनस टू का गुणनफल होगा। देखिए अगर आप इस बहुपद के लिए बात करोगे तो वहाँ देख रहे हैं कि माइनस वन रखने पर यहाँ पे इसका मान क्या हो रहा है, टू हो रहा है, तो टू माइनस टू इसका मान जीरो हो रहा है, यानी कि इस बहुपद के लिए एक्स की जगह माइनस वन रखने पर बहुपद का मान क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब कि एक्स प्लस वन इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर